वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। सो गाइस, आज हम लोग कर रहे हैं मॉडल मेकअप विथ सॉफ्ट शिमरी आईज। सो गाइस, आज के मेकअप ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग मॉडल मेकअप के साथ साथ सॉफ्ट स्मोकी शिमरी आईज करेंगे। और इसमें जो हमारे मॉडल हैं आज की, इनके जो फीचर्स हैं थोड़े से चबी से क्यूट से हैं। इनके फीचर्स को इन्हेंस करने के साथ साथ ही एक कंप्लीट प्रॉपर मेकअप ट्यूटोरियल होगा। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सब अगर सब्सक्राइब मेरी वीडियोस पे करेंगे तो आपके होम पेज पे मेरी वीडियोस ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। और अगर कोई न्यू अभी व्यूअर देख रहा है मेरी वीडियो तो गाइस प्लीज़ सबसे पहले आप सब सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा है अभी कि मैंने क्रिस्टीन की ऑरेंज जो स्टिक है वो मैंने ली है और इससे मैं कर रही हूँ कंसीलिंग। डार्क सर्कल्स सारे कवर अप कर रही हूँ और जहाँ जहाँ जो भी मुझे डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स मुझे फील होंगे वहाँ वहाँ मैं पूरा कवर अप करूँगी ऑरेंज कंसीलर से। आप लोग कोई और ब्रांड का या कोई और नंबर भी कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऑरेंज और जो ऑरेंज शेड होता है उससे कोई नंबर नहीं होता। तो गाइस, अब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। इसको आप लोगों ने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से या कोई भी पफ आपके पास हो उससे आप इजीली इसको ब्लेंड कर सकती हैं। सो गाइस, अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर फाउंडेशन मिस रोज़ का और जो इसका नंबर है वो है फेयर। कोई कोई फाउंडेशन के अंदर नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और डिफरेंट शेड्स होते हैं, तो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं फेयर मिस रोज़ का जो फाउंडेशन है। आप लोगों ने फेस के और मेकओवर के हिसाब से क्वांटिटी लेनी है फाउंडेशन की। बहुत ज़्यादा अगर हम क्वांटिटी ले लेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, ब्लेंड नहीं होगा ठीक से और वो बेस क्रैक हो जाएगा। तो अगर आप लोग फेस के हिसाब से इसको क्वांटिटी को लेंगे तो ये ब्लेंड भी ईजिली होगा और ये बहुत फ्लॉलेस लुक रहेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी स्टे करेगा आप लोगों की स्किन पर। तो आए देख सकते हैं आप लोग कि मैंने अच्छा क्वांटिटी में मैंने इसको बेस को अप्लाई किया है और अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आप लोगों ने ब्लेंड करना है, टैप 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 कर। सो गाइस, अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। पहले हम हाफ़ फेस कवर करेंगे, उसके बाद हम हाफ़ फेस पर जाएँगे। और जब हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लिया है बेस को तो हम कॉमफ्लाज करेंगे। कॉमफ्लाज मीन्स फिक्सिंग द बेस विथ फेस पाउडर। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ यार्डले का नंबर 1। इसकी भी कवरेज और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो इसकी हेल्प से आपने फेस पाउडर लेना है और फेस पाउडर पफ लेना है। इसको आपने टैप 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 करके यूज़ करना है और फाउंडेशन के ऊपर आप लोगों ने इसको फिक्स करना है फेस पाउडर को। और गाइज, आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताया करें आप लोग कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा बेस जो है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं हमारी जो है मॉडल। तो गाइज, अब हम लोग कर रहे हैं फेस कॉन्टोरिंग, क्योंकि इनका फेस थोड़ा सा जो है चबी सा है, तो बबली फेस है इनका, तो हम लोग थोड़ा सा हैवी कॉन्टोरिंग इनके फेस पे कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, कॉन्टोरिंग आप लोग किसी भी ब्रांड की, किसी भी लोकल उसकी लोकल ब्रांड के कुछ भी कॉन्टोर यूज़ कर सकती हैं, बट इट शुड बी डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन, क्योंकि उससे हैवी कॉन्टोरिंग अच्छी होती है। अगर आप बिल्कुल स्किन शेड पे जाके कॉन्टोर करेंगे तो उसका बिल्कुल रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा।
सो देख सकते हैं आप लोग गाइस कि अब मैं इनके फेस कंटूर कर रही हूँ और आप लोग को दोनों कंटूरिंग में फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि उस जहाँ पे कंटूरिंग अभी नहीं हुई है और जहाँ पे मैं इस टाइम एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो गाइस इसी तरीके से आप लोगों ने कंटूरिंग करनी है और हल्का सा मैं फोर हेड पर भी कर रही हूँ क्योंकि इनका फोर हेड थोड़ा सा ब्रॉड है तो उसको भी अगर हम कवर अप करेंगे तो उनके जो फीचर्स हैं तो वो काफ़ी इन्हेंस होंगे मेकअप में, क्योंकि अगर हम मॉडल मेकअप कर रहे हैं तो। तो गाइस अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन भी अच्छे तरीके से अप्लाई हम करेंगे। एप्पल चीक्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन हैं एप्पल चीक्स और काफ़ी सारा हाइलाइटर, तो वही चीज़ इस तरीके से हो रही है। बट बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भर के बिल्कुल रेड रेड चीक्स नहीं किए, नॉर्मल हमने फेस कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग और जो हमारा मेकअप होने वाला है उसके हिसाब से हम लोगों ने अप्लाई करना है कॉन्टोरिंग भी, ब्लश ऑन भी और साथ ही हाइलाइटर भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत एक्सट्रीम हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं और जो उनका मेकअप होता है वो टैन हो जाता है और बस जस्ट हाइलाइटर ही नज़र आ रहा होता है फेस पे और जो मेकअप है वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा होता। और मेकअप शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस तरीके से की बेकिंग अगर कर ली तो आपका जो बेस है वो ख़राब नहीं होगा और वो थोड़ी देर में और सेटल डाउन होता जाएगा। सो गाइस अब मैं हम लोग शुरू कर रहे हैं आई मेकअप, उससे पहले मैं कर रही हूँ आईब्रोज। कोई भी आप आईब्रो पेंसिल जेल आईब्रो शेड या दूसरे पाउडर आईब्रो शेड से आईब्रो जो है वो सेट कर सकती हैं। मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ ब्राउन पेंसिल। पेंसिल अप्लाई करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से आईब्रो ब्रश से जो है वो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये ब्लेंड हो जाए और ये अनशेप ना लगे। जो उनका शेप है उसी को मैंने मेंटेन रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने शेप से हटा के जो है, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत वो ऑड लगता है जो शेप से हटा के अलग से शेपिंग कर देते हैं लोग। खैर अब मैं कर रही हूँ ब्रो बोन पे हाईलाइट। ये हाइलाइटर है गाइस मिस रोज का, इजीली आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और अब मैं कर रही हूँ हाईलाइटर ब्रो बोन पे। अच्छी तरीके से आप लोगों ने हाईलाइट करना है ब्रो बोन को, हाईलाइट करेंगे उसके बाद फिर हम लोग आएंगे सॉकेट लाइन पे। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने हाईलाइट किया है और हाईलाइट करने के बाद इसको हल्का हल्का सा मैं फिंगर से भी ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये और इन्हेंस हो। अब मैं ले रही हूँ गाइस राउंड ब्रश और साथ में हल्का सा लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड। गाइस अब मैंने लिया है लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का शेड हल्का सा और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ सॉकेट लाइन पे। और अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको ब्लेंड करते करते ही इसको अप्लाई करना है और बिल्कुल भी आउट ऑफ द शेप जो है आइज़ ना हो। जो लाइन है सॉकेट लाइन की और कट क्रीज की मैं सिर्फ वहीं अप्लाई कर रही हूँ शेड, और आईब्रोज के कॉर्नर्स तक ही हम अप्लाई करेंगे। अगर इससे आउटर कॉर्नर पे आप जाएंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। अब मैंने सिल्वर और वाइट शेड को थोड़ा सा मिक्सअप किया है, बेसिकली इट्स अ मिस रोज हाइलाइटर और मैं उसकी ही हेल्प से, क्योंकि मैं फाउंडेशन से कट क्रीज बनाना मैंने नहीं चाहा क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैवी मेकअप टच नहीं चाहिए था, तो मैंने सिल्वर आई शेडो को थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेड लेके ब्रश में उससे मैंने देख सकते हैं आप लोग एक थोड़ा सा कट क्रीज का लुक लिया, क्योंकि इनकी जो आईज़ हैं वो काफ़ी छोटी हैं और स्पेस भी थोड़ी सी कम है, बेसिकली स्मॉल हुडेड आईज़, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग थोड़ा सा कट क्रीज का लुक देंगे तो इट विल लुक गुड ऑन हर। देख सकते हैं आप लोग थोड़ी सी तो खैर नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेकअप जो है वो इन्हेंस हो रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा इनकी आईज़ पे ग्लिटर और लाइनर लॉन्ग लैशेस अगर भर देंगे तो इट विल नॉट लुक गुड। सो गाइस अब मैं हल्का सा ब्लैक स्पॉट दे रही हूँ ब्लैक कॉर्नर्स, पूरे प्रॉपर नहीं बना रही, हल्का सा ब्लैक जो है आउटर कॉर्नर पर हल्का सा मैंने शेड दिया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी हल्का सा ब्राउन शेड से, देख सकते हैं आप लोग के ब्लैक, क्योंकि ब्लैक आइज शेड ऐसा है कि वो किसी की भी स्मॉल आइज हो उसको इन्हेंस करता है, जैसे कि अगर आप काजल भी आँखों के अंदर लगा लें तो इट विल इन्हेंस सो मच। और इस तरीके से ही सेकेंड आई से कॉर्नर पे भी मैं ऐसे ही ब्लैक जो शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ।
और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी गाइस ब्लेंडिंग राउंड ब्रश से, जिससे मैंने चॉकलेट लाइन बनाई थी उसी से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। ब्लेंडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस अब मैं अंडर आई मेकअप कर रही हूँ। अंडर आई थोड़ा सा डार्कर शेड इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अगर आपका अपर मेकअप थोड़ा सॉफ्ट है तो लोअर आईज़ अगर आप अंडर आई मेकअप थोड़ा सा इन्हेंस करके करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है और इट विल लुक सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंस। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसको हल्का सा ब्लेंड आउट मज़ीद और कर रही हूँ, थोड़ा सा और इन्हेंस कर रही हूँ मेकअप को। और अब इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी गाइस इनर कॉर्नर पे हल्का सा हाइलाइटर ताकि आईज और इन्हेंस हो। मैं तो थक दे गाइस बोल बोल के। गाइस इसी बात पे सब लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करा करें मेरी वीडियोस को और मुझे बताएं कमेंट्स में आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया है कि मिस रोज़ का जो है ग्लिटर ग्लू है मेरे पास इस वक्त, और मैं इसको जहाँ पे मैंने वो कट क्रीज का गाइस लुक दिया है वो पूरा एरिया मैं कवर कर रही हूँ ग्लू से, और फिर उसके बाद मैं वहाँ अप्लाई करूँगी ग्लिटर। मैंने दो ग्लिटर शेड्स को थोड़ा सा मिक्स किया था, एक गोल्डन और एक ब्रॉन्ज। उसका शॉट मैं लेना भूल गई बट मैं आपका उसको उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने इंस्टा हैंडल पर डाल दूँगी तो आप वहाँ आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा फ्लॉलेस और कितना अच्छा लग रहा है ये शेड, और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने टैप 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 करके ही ग्लिटर को जो है अप्लाई करना है। आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसे नहीं विदाउट ग्लू ग्लिटर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ग्लिटर भी तरीके से अगर अप्लाई होगा उसके बाद ही ग्लिटर सेटल डाउन होगा। तो गाइस लैशेस भी मैंने अप्लाई कर ली हैं और आप लोग देख सकते हैं कि आई मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस विंग आईलाइनर। बहुत ज़्यादा लॉन्ग बोल्ड विंग आईलाइनर हम नहीं देंगे, नॉर्मल जो है विंग होगा इनकी आँखों के अकॉर्डिंग जो इन पे सूट करेगा, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही इनका जो है वो लाइनर जो है वो अप्लाई करना है। सो गाइस लाइनर के लिए जो मैंने यूज़ किया है वो है बिल्कुल ज़ीरो नंबर का बिल्कुल थिन ब्रश एंड जेल आईलाइनर। सो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक। हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और ये देख सकते हैं आप लोग के कितनी हसीन और कितनी ज़्यादा एलिगेंट इनका ये आज का मेकओवर हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज का ये इतना फ्लॉलेस मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो गाइस सब लोग सब सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और मुझे बताएं आप सबको आज का मेकअप लुक कैसे लगा। सो गाइस अब तक के लिए यही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।